हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ईगो क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पूरा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन पहले के ओवरव्यू से, जो अपन ने पहली वीडियो में पढ़ा था। अपन ने देखा था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। शॉर्ट में लिखता हूं मैं। अपन इसके दो टाइप्स देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक था क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। एक था क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। इसमें अपन ने और चीजें पढ़ी थी। इसमें अपन ने कल पढ़ा था, इसमें था बैंक रेट, फिर था रेपो रेट, फिर था रिवर्स रेपो रेट, फिर अपन ने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर अपन ने लास्ट में देखा था LRR, जो कितने भागों में बैठा था? दो में। एक था SLR और एक था CRR। ये अपन ने कल की वीडियो में कवर किया था। आज अपन देखेंगे क्वांटिटेटिव मेथड के कितने टूल्स होते हैं। चलते हैं अपन। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दैट फोकस ऑन द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके अंदर अपन क्या बात करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी एलोकेशन ऑफ मनी की बात करते हैं। जैसे अपने पास अगर 10 लाख है, 10 लाख करोड़ मार्केट में है अवेलेबल, कि मतलब मार्केट में इतने चल रहे हैं, तो इसके अंदर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। मतलब 10 लाख करोड़ से 11 या फिर 9 ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? एलोकेशन चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ने 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी। अगर प्राइमरी में दे रखें 3 लाख करोड़, सेकेंडरी में दे रखें 4 लाख करोड़ और टर्शरी में दे रखें 3 लाख करोड़, तो अपन को क्या करना है? अगर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरत है तो अपन क्या कर दें? इसको बढ़ा दें और इसको क्या कर दें? 4 कर दें और 3 को हटा दें। और फिर अपन क्या कर सकते हैं? अगर सेकेंडरी में कम ज़रूरत है तो अपन इसको 3 कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एलोकेशन चेंज होता है। इसके अंदर जो मार्केट में पैसा होता है, मतलब मनी सप्लाई होती है, वो चेंज नहीं होती। बस एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा चला जाता है, मतलब एक जगह कम देना और दूसरी जगह ज़्यादा देना। समझ गए अपन। और क्वांटिटेटिव में अपन ने क्या देखा था? क्वांटिटेटिव में अपन ने क्या देखा था? क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे अगर 10 लाख करोड़ है तो वो 11 हो जाता है अगर बढ़ाना हो तो, और अगर कम करना हो तो 9 लाख हो जाता है। ये अपन ने किस में देखा था? क्वांटिटेटिव मेथड में देखा था। ठीक है, तो अपन ने ये सारी चीज़ें अभी देख ली है, ओवरव्यू ले लिया इसका। अब अपन देखते हैं टूल्स कौन कौन से होते हैं। इसके 3 टूल्स होते हैं। एक होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, फिर एक होता है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट, और एक होता है मॉरल सुएशन। इसको पहले अपन ब्लैंक स्लाइड पे समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन क्वालिटेटिव मेथड। मेथड ठीक है, इसके 3 टाइप हैं। एक है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेकेंड है मॉरल सुएशन, और फिर थर्ड है मार्जिन मार्जिन रिक्वायरमेंट। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इसके अंदर अपन देखते हैं कि बैंक को क्या दे दिया जाता है? एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है। जैसे अगर मान लो मार्केट में 1000 रुपीज़ है, शॉर्ट लेके चलते हैं, और अपन ने 3 चीज़ों में उसको डिवाइड कर रखा है। किस में? प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। और सेंट्रल बैंक ने क्या ऑर्डर दे दिया कमर्शियल बैंक को? कि तुम एक काम करो, प्राइमरी सेक्टर में 150 करोड़ दो, सेकेंडरी सेक्टर में 400 करोड़ दो और टर्शरी सेक्टर में 450 करोड़ दो। इस हिसाब से पैसों का अलोकेशन करो, जिससे क्या हो? अच्छे से हो। और अगर क्या होता है, उसको
बढ़ाना होता है कि यार प्राइमरी सेक्टर में बढ़ाना है, तो क्या करो प्राइमरी सेक्टर को करो 300, इसको 400 ही रहने दो और इसको कितना कर दो 300 कर दो। तो इस हिसाब से क्या करती है वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर लेती है, मतलब क्रेडिट को किस जगह ज़्यादा करना है किस जगह कम करना है वो इस हिसाब से डिसाइड कर लेती है कि मतलब अगर उसमें 300 करोड़ रुपए देने हैं तो मतलब 300 करोड़ से एक रुपया भी ज़्यादा आप नहीं दे सकते, 400 करोड़ देने तो 400 करोड़ से एक रुपये ज़्यादा भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे 300 करोड़ अगर लिमिट फिक्स कर दी तो 300 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। इससे क्या होता है मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। वो कैसे कि जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले पैसा कम था और उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बढ़ाना है कि यार नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, तो वो क्या करेगा दूसरी चीज़ को कम कर देगा और एग्रीकल्चर सेक्टर पे बढ़ा देगा। जैसे अपन इनकम का भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं इसमें कि जैसे अगर अपने पास 100 रुपये हैं, अपन को पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना है पास्ता कम खाना है, तो अपन किस पे लगा देंगे पैसा, पिज़्ज़ा पे ज़्यादा लगा देंगे, है तो अपने पास 100 रुपये ही ना, बढ़ा तो सकते नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी ऐसा वर्क होता है जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। समझ गए अपन। फिर अपन बात करते हैं मॉरल सुएशन की। मॉरल सुएशन क्या होता है इसके अंदर अपन देखते हैं जो सेंट्रल बैंक क्या होती है वो इस पे दबाव बनाती है, यानी ऑर्डर देती है इसको कि यार तुमको है ना इसी आदमी को लोन देना है, मतलब इस सेक्टर के आदमियों को लोन देना है, इसको नहीं देना है ना के बराबर देना है। जैसे तीन सेक्टर है अपने पास, वही बात करते हैं अपन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार नहीं अपन को प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना है, तो आप एक काम करो लोन जितना हो सके प्राइमरी सेक्टर में दो, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में हो सके तो थोड़ा कम देना, ठीक है। तो अगर जब ये रेगुलेशन सेंट्रल बैंक ने बनाई तो उसका पालन करना उसका देखरेख करना वो सब क्या हो जाता है मॉरल सुएशन हो जाता है, मतलब जो भी ऑर्डर सेंट्रल बैंक ने निकाला वो तुमको मानना ही पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को मानना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपन बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अंदर अपन को क्या देखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान घर का लोन देने गया, उसके घर की वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है। अब अगर वो गया तो गवर्नमेंट उसको पूरा का पूरा पैसा तो देती नहीं है, अपन जानते हैं वो कितना देती है, या तो 90% देगी या 80% देगी या 85% देगी, ये चीज़ अपन जानते हैं, मान लिया अपन ने। अब क्या होता है कि अगर सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है, कहीं लोन कम देना पड़ता है, तीन सेक्टर ही इसमें भी होते हैं, तीन सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अब सेंट्रल बैंक क्या बोल रही है कि यार तुम एक काम करो प्राइमरी सेक्टर पे लोन बढ़ाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करो सेकेंडरी सेक्टर पे लोन कम दो और टर्शरी सेक्टर पे लोन कम दो। तो पहले टर्शरी सेक्टर पे मान लो कि 95% लोन अमाउंट मिल रहा था सिक्योरिटी जमा कराने पे, और सेकेंडरी सेक्टर में मिल रहा था 90 पे, प्राइमरी सेक्टर पे मिल रहा था 80 पे, और कहा कि आप एक काम करो प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करो, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा लोन दो। तो ये क्या करेगी, इसको मान लो कि 98% कर दिया कि 98% लोन दे देगी, मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो ये कितना दे देगी 98 लाख दे देगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लोग देखेंगे कि यार पैसा अच्छा मिल रहा है, अपन 1 करोड़ जमा करा रहे हैं, 98 लाख अपन को मिल रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत कम सिक्योरिटी वहाँ पे रह रही है, तो एक काम करो लोन अच्छा लेते हैं फ़ायदा होगा। और फिर क्या कर देगी, अगर इन दोनों में कम करना है तो इसमें क्या कर देगी, जैसे मान लो 80 कर दिया इसको, इसको भी 80 कर दिया, तो लोग क्या देखेंगे कि यार अपने पास 1 करोड़ की चीज़ अगर अपन गिरवी रखवा रहे हैं, अपन को 80 लाख रुपये ही मिल रहे हैं, तो का लोन कम लेंगे, वो क्या सोचेंगे कि यार 80 लाख ही तो मिल रहे हैं, छोड़ो रहने देते हैं, अभी बाद में जब ये बढ़ेगा तब लेंगे, ऐसा अपन मान के चलते हैं किसमें, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में। अब एक बार इसकी थ्योरीज देख लो, बात करते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक रिलेटिंग टू द सेलेक्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वही बात है, तीन सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होती है किसकी, सेंट्रल बैंक की। वो कैसे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, वो क्या चाहती है कि प्राइमरी सेक्टर अगर ग्रोथ ज़्यादा हो तो इसके अंदर लोन अच्छे से दो, इसका कोटा बढ़ा देगी, 150 था तो इसको 300 कर दिया, समझ गए। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भेदभाव होता है कि किसमें ज़्यादा करना है तो उसमें ज़्यादा करो, किसमें कम करना है तो उसमें कम करो, ठीक है समझ गए इस बात को। फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसमें अपन ज़्यादा पैसा देते हैं।
may be encouraged with a view of stimulate production in this sector. मतलब production बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, grow करने के लिए उस sector को. फिर next अपन देखते हैं change in margin requirement. Margin requirement अभी अपन ने देखा था. Margin requirement refers to the difference between the current value of offered security for the loan and the value of loan granted. मतलब जो सिक्योरिटी आप दे रहे हो, जैसे उसकी 1 करोड़ वैल्यू थी और आपको लोन कितना मिल रहा है, 80 लाख का मिल रहा है. जो बचा 20 लाख जो बचा है वो क्या है, मार्जिन है. मार्जिन रिक्वायर्ड है जो कौन रखता है, कमर्शियल बैंक रखती है अपने पास, ठीक है. तो वो मार्जिन बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं इसमें. इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज. मतलब इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होता है, मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन से सिर्फ यही मतलब समझो हाल फिलहाल के. इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, चीज़ों की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है. अगर मार्केट से पैसा निकल जाएगा तो चीज़ों की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं. मतलब ये 20 लाख था तो इसको 40 लाख कर दिया मान लो. सो दैट डिमांड फॉर लोन्स आर डिक्रीज एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन द मार्जिन रिक्वायरमेंट आर डिक्रीज सो द डिमांड फॉर लोन इंक्रीजेज. समझ में आ गया, इसका उल्टा हो जाएगा. अगर इन्फ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और अगर डिफ्लेशन है तो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. अगर यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 40% था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% रह जाएगा, या वो 5% कर देगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को. आगे चलते हैं अपन. फिर अपन बात करते हैं मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन रेफर्स टू द सजेशन टू द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. किसको सजेशन मिलता है, कमर्शियल बैंक को मिलता है. किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा. किस चीज़ के लिए, कि कहाँ कहाँ पे तुमको ज़्यादा पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ पे तुमको कम पैसा देना है. मतलब कहाँ कहाँ लोन ज़्यादा देना है और कहाँ कहाँ लोन कम देना है. दैट हेल्प इन रिस्ट्रेनिंग द क्रेडिट इन द इन्फ्लेशनरी पीरियड. मतलब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पर क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है कि नहीं अभी पैसा मत दो, इस सेक्टर में मत दो, उस सेक्टर में दो. मतलब एग्रीकल्चर में मत दो, सेकेंडरी में दो, या फिर एग्रीकल्चर में दो, सेकेंडरी में मत दो. इसके अंदर वो चीज़ें नहीं बढ़ाती, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाती, इसके अंदर कोटा डिसाइड नहीं करती. बस वो ओरली उसको बोलती है कि यार तुमको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे देना है, जो वो ज़्यादा डेवलप हो सके. ये होता है मॉरल सुएशन. तो क्वालिटेटिव टूल्स ख़त्म हो चुके हैं अपने. 12th क्लास के हिसाब से ये इतने क्वालिटेटिव टूल्स काफ़ी थे. अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.